अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों?
वालेकुम अस्सलाम यासमीन। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टार्ट की थी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हमने प्रोडक्शन के मेथड्स देखे थे। डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है वेज थे, कोई थ्रेक्टिन टनल है तो कोई क्रोमेयर्स लैम्प है तो कोई मरकरी लैम्प है, जो जिसके थ्रू हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रोडक्शन करते हैं। लैम्प हमने स्टडी की थी और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने स्टडी किए थे। आज हम जो है ये देखेंगे कि थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं और कौन से फिल्टर्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको फिल्टर आउट करते हैं, और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं टू द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इंडिकेशंस या थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। अच्छा, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रिटन एग्जाम में या इंडिकेशंस पूछी जाए, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, इंडिकेशंस भी वही है कि आपने कब कब अप्लाई करना है, और थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में भी हम उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं जो आपके इंडिकेशंस होती हैं कि कहाँ कहाँ कब कब हम अप्लाई कर सकते हैं, किन पेशेंट्स में या किन कंडीशंस में। ओके, सबसे फर्स्ट है वुंड, एक्नी वल्गैरिस, प्रेशर सोर्स, सोरेसिस, एलोपीसिया, रिकेट्स, काउंटर इरिटेशन इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये सारी हैं इंडिकेशंस। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। वुंड्स, वुंड्स के केस में इन्फेक्शन हो या फिर अगर नॉन इन्फेक्टेड वुंड है, दो टाइप के वुंड्स होते हैं। अगर वुंड है किसी का तो वो नॉर्मली वो आप एंटीबायोटिक देते हैं तो वो क्यों देते हैं अगर वुंड हो गया, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना पड़ जाए वुंड में। ठीक है, अगर कोई बड़ा थोड़ा सा सेवेयर कोई इंजरी है, कोई वुंड है, तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि वो इन्फेक्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसकी हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर फिर भी वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फर्दर जो है वहाँ पे डेब्रिस कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है, बैड और फाउल स्मेलिंग स्टार्ट हो जाती है वुंड से, जैसे कि गैंग्रीन के केस में होता है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्टेड वुंड्स वो होते हैं जो सिंपली कोई भी वुंड है जिसको हील करना है लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, वो क्लीन और क्लियर है, उसमें कोई पस नहीं है, कोई एब्सेस की फॉर्मेशन नहीं है। इन्फेक्टेड वुंड्स में क्या काम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, कि वो डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया को, रिमूव द इन्फेक्टेड डेड मटेरियल, प्रमोट रिपेयर एंड इंक्रीज हीलिंग। अल्ट्रावायलेट का जो बी स्पेक्ट्रम है, यूवीबी रेज है विद द E3, जो E3 टाइम है। ठीक है, E1, E2, E3, E4 ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हर अपरेटस का E1 टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर उसको नोट कर लेते हैं, मार्क कर देते हैं उस अपरेटस के ऊपर कि ये इसका E1 टाइम है। ठीक है, E1 जब पता होता है तो उसके बाद E2 उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा है, E3 आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसको उस तरह इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, क्या बेटा? मैम, E जो है वो टाइम को डिनोट करता है। हाँ, उसके टाइम की एक एब्रिविएशन है, ई का सिंबल है जो यूज करें, ई का अल्फाबेट आप उसके एजम्पशन टाइम के लिए। ओके मैम, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं E1, E2, E3, E4 के बारे में। ठीक है मैम, इन्फेक्टेड वुंड्स एक दफा बता दें क्या होता है। बेटा, इन्फेक्टेड वुंड्स वो होते हैं जो इन्फेक्ट हो गए हैं, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, वुंड वुंड की जो है क्लीनिंग और वुंड की मेंटेनेंस आफ्टर एनी टाइप ऑफ सर्जरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर वुंड इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर वो हीलिंग हील भी नहीं करता प्रॉपरली, पहले तो फिर उसका बैक्टीरिया और उसकी पस को और उसमें से जो फ्लूइड एक्सोडेट निकल रहे होते हैं उनको क्लियर करना होता है, उसका डेब्रिडिमेंट करनी पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा पाँव में अगर शुगर के पेशेंट हैं, चोट लगती है, फिर वो वुंड जो है ना वो हील नहीं हो रहा होता, वो इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो फिर उसकी इन्फेक्शन, क्योंकि वो और वजह है कि जो आपके पास पेशेंट होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, उनमें वुंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होती क्योंकि उनकी जो है न्यूरोपैथी हो जाती है उन्हें, बहुत सारे फर्दर रीजंस हैं, लेकिन ये कि अगर वुंड इन्फेक्ट हो रहा है मतलब उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है।
और उसके बाद वहां पे फाउल स्मेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है. जब भी किसी वोंड से स्मेल आ रही होगी ना, फाउल स्मेल, तो इसका मतलब ये है कि वो वोंड इन्फेक्टेड है. ठीक है, या वो अगर आपको पस फॉर्मेशन, उसमें पस नजर आ रही है, वेट अपेयरेंस है वोंड की. इन्फेक्टेड वोंड्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है. ठीक है, इसके लिए क्रोमेयर लैम्प में E4 और E3 की डोजेस यूज की जाती हैं. ठीक है, E3 E4 बेसिकली आप टाइम को भी कह सकते हैं, आप उसकी डोजेज को भी कह रहे हो कि E3 की डोज इस लैम्प की, E3 डोज इस लैम्प की, E4 डोज. ठीक है, तो वो बेसिकली है वो टाइम ही, कि इतना टाइम या डोजेज भी टाइम के मुताबिक है ना, कि इतने हमने, कि मेडिसिन तो नहीं है कि इसकी डोज ईट आपने इतनी डोजेज खानी है, इसकी डोजेज यही है ना अपरेटस की, कि आपने उसको कितना टाइम के लिए अप्लाई करना है. अच्छा, नॉन इन्फेक्टेड वाउंड्स में क्या होता है कि स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू. जब भी हीलिंग स्टार्ट होती है तो वहां पे ग्रैनुलेशन टिश्यू आते हैं, वो रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इस ग्रैनुलेशन टिश्यू की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं रिपेयर को, और साथ साथ हीलिंग को इंक्रीज करते हैं. अल्ट्रावायलेट ए रेज आर जनरली यूज्ड बाय यूजिंग सम फिल्टर. अल्ट्रावायलेट ए रेज यूज करते हैं और साथ कोई फिल्टर भी अप्लाई कर देते हैं. और फिल्टर्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे आज. नाउ वुंड्स पे अब है एक्नी वल्गैरिस. एक्नी जो है इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ स्किन प्रेजेंट्स विद पस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स एंड कॉमिडोन्स. जो पिंपल्स हैं वो तो सिंपली एक छोटा सा जो होता है वो पिंपल होता है. ठीक है, जब वो ग्रो कर जाता है, वो स्वेल कर जाता है, एक बबल बन जाती है उसकी, तो फिर उसको आप पस्ट्यूल कह देते हैं. वाटर फिल होगा तो उसको पैप्यूल कह देते हैं. ठीक है, ये पस्ट्यूल्स पैप्यूल सारी एक्नी के अंदर होते हैं. और बेसिकली एक्नी जो है दैट इन्फेक्ट्स द फेस, द स्किन ऑफ द फेस सबसे ज्यादा. वरना एक्नी का प्रॉब्लम जो है आपको आपके बैक पे, आपकी जो बाकी की सेंसिटिव स्किन होती है जिन लोगों की, उनकी बैक, नेक, उनकी बॉडी की और जगह पे भी एक्नी हो सकती है. और कॉमिडोन्स क्या होते हैं, जो सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो सिबेशियस ग्लैंड है. ठीक है, स्किन में आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं और स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स हैं. स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, सिबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं. जी बेटा, कॉमिडोन्स का ही बता रही हूँ. तो जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जब वो डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं. ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहां पर वो पोर्स भी ब्लॉक हो गए हैं, आपके सीबम ग्लैंड्स भी ब्लॉक हो गए हैं, तो वहां पर नॉर्मल वर्डिंग में सबको ही पता होगा कि ब्लैक हेड्स होते हैं प्रोड्यूस. कॉमिडोन्स जो है ब्लैक हेड्स को कहते हैं. ठीक है, ब्लॉक्स हेयर फॉलिकल्स एंड सिबेशियस ग्लैंड ऑन फेस, बैक एंड चेस्ट. जी मैम, आपने कहा ना कि ब्लैक हेड्स को कहते हैं, मैम फिर जो वहां पे व्हाइट हेड्स होते हैं उनको भी वही कहेंगे ना? बेटा व्हाइट हेड्स जो होते हैं कह सकते हैं उनको भी, बट ब्लैक हेड्स को, मतलब कॉमिडोन्स, उसका साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि इन द लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन ब्लैक हेड्स को कॉमिडोन्स कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जब आपके सीबम ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स, ये सारी चीजें डर्ट और पोल्यूटेंट्स की वजह से ब्लॉक हो रही हैं, तो उसको नॉर्मल वर्ड्स में हम कहते हैं जी ये ब्लैक हेड्स हैं, और हम उसको मेडिसिन की लैंग्वेज में कॉमिडोन्स कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी, हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो गए, सीबेशियस ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं ऑन द फेस, बैक एंड चेस्ट एरियाज. E2 डोज कैन बी गिवन विद द फॉलोइंग एम्स. E2 डोज आप दे सकते हैं एंड एरिथमा विल ब्रिंग मोर ब्लड टू द स्किन एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्किन. के E2 डोज देंगे, ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दैट इट कॉजेज एरिथमा. एरिथमा प्रोड्यूस होता है, उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, तो आपकी ओवरऑल स्किन की कंडीशन इंक्रीज कर सकती है, इम्प्रूव हो सकती है. डिस्क्विमेशन विल रिमूव कॉमिडोन्स एंड अलाउ फ्री ड्रेनेज ऑफ सीबम, थस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेजन्स. और स्किन की डिस्क्विमेशन भी होती है, उसकी जो ऊपर वाली थिक लेयर होती है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है, अंदर से न्यू स्किन आना स्टार्ट हो जाती है. स्किन के जो एपिडर्मिस, डर्मिस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स की, बाय अप्लाइंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. हैव स्टेरिलाइजिंग इफेक्ट ऑन द स्किन. स्किन पे स्टेरिलाइजिंग इफेक्ट है, सारे बैक्टीरियाज और जो हार्मफुल कोई भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्लियर आउट करना होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. कंडीशन यूजली रिटर्न्स विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और एज ऑल लेजन्स इन स्किन रीच देयर पीक एट द सेम टाइम. अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई करेंगे तो वो सारे लेजन्स जो हैं वो एक टाइम पे, पीक टाइम पे आ जाएंगे, और उसके बाद जब सारी स्किन उतरेगी तो फिर एक क्लियर स्किन इकट्ठे निकल आएगी. अदरवाइज अगर
एक्नी के केस में तो ये होता है ना, जो जिन लोगों को एक्नी होती है कि एक पिंपल या एक पोस्ट्यूल उनका जो है वो सही होता है तो वो और बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की थेरेपी के बाद ये होता है कि एक ही साथ सारी स्किन क्लियर आउट हो जाती है। वेयर एज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्नी सम विल बी रिजॉल्विंग एंड द अदर्स डेवलप। अच्छा, ये थी एक्नी। अब प्रेशर सोर्स, दे मे वेरी फ्रॉम एन एरिया ऑफ एरिथमा टू अ डीप सीटेड अल्सर एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग बोन। अब प्रेशर सोर्स जो है ये ऐसे डलना स्टार्ट होते हैं कि किसी भी जगह कोई बेड रिडन पेशेंट्स हैं, ठीक है, कई अर्से से क्रॉनिक पेशेंट है किसी चीज़ का और बेड रिडन है और उसकी प्रॉपर जो है बेड की पोजीशनिंग नहीं हो रही, तो वो एक ही जगह पे लेटा हुआ है, फॉर एग्जांपल बैक पे उसके प्रेशर पड़ता रहता है और वहां पे प्रेशर सोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर किसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जो फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर कहीं से प्रेशर पड़ रहा है और वैसे ही गर्मी के सीजन में तो बहुत ज्यादा वहां से स्किन खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रेशर की वजह से वहां पे प्रेशर सोर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रेशर सोर्स वो कह रहे हैं कि अगर किसी जगह पे खाली रेडनेस हुई है प्रेशर सोर्स की वजह से, एरिथमा हुआ है वो भी प्रेशर सोर्स में आ रहा है, या फिर अगर कोई डीप सीटेड अल्सर हो गया कि स्किन बिल्कुल कट गई है, स्किन और मसल गल गए हैं और जो अंडरलाइंग बोन है वो नजर आना स्टार्ट हो गई है, इतना डीप अल्सर है, दोनों की केसेस में आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट द प्रेशर सोर्स एज डिस्क्राइब्ड इन वोन्स। वोन्स की तरह ही आपने इसको ट्रीट करना होता है, जैसे वोन्स में आपने डोज दी थी E3 E4, वैसे ही आपने यहाँ पे भी उसकी डोजेज रख सकते हैं आप टू ट्रीट प्रेशर सोर्स। अब है सोरेसिस। सोरेसिस भी स्किन की एक कंडीशन है, जैसे एक्नी स्किन की कंडीशन है, उसी तरह सोरेसिस ये होता है कि लोकलाइज्ड पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, ठीक है, एंड बहुत कम है, रेयर होती है काफी। एक्नी तो बहुत कॉमन है, उसके मुकाबले में सोरेसिस इज अफेक्ट्स ओनली 2% पॉपुलेशन इन आवर एरियाज, ठीक है। अगेन सोरेसिस जो है ये जो वाइट स्किन पीपल होते हैं उनमें फिर ज्यादा हो जाता है। कॉज इज अननोन एंड समहाउ कुछ लोग कहते हैं कि इनहेरिटेड है, बट इसकी एटियोलॉजी जो है दैट इज अननोन। Formation of thick pink or red flakes sharply demarcated and covered with silver scales. ऐसे red color के demarcated से patches बन जाएंगे localized और उनके अंदर जो है ना scales होते हैं, scaly skin होती है उनके अंदर की, silver color के या whitish color के आपको scales नजर आते हैं। Aims of the ultraviolet radiation treatment is to decrease the proliferation by reducing DNA synthesis. अब आपको ये पता है कि ultraviolet radiations जो है ये DNA के level पे भी जाके act करती हैं, ठीक है, आपके डीएनए के अंदर भी चेंजेस लेके आ सकती हैं, इसीलिए तो अगर इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो फिर कैंसर कॉजिंग हो जाती है ये, क्योंकि डीएनए के लेवल पे जाके इफेक्ट कर रही होती हैं। ट्रीटमेंट इज गिवन बाय PUVA लीज रेजिमेन एंड बता दूं मैं क्या बता दूं मैम ये डीएनए वाला पॉइंट ये बेटा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं इनको आप पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि बड़े केयरफुली और कॉशियसली आप इनको हैंडल करते हो। किसी भी पेशेंट को आप क्रॉनिक लंबे टाइम के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि उसका जो डीएनए के लेवल पे जाके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपना इफेक्ट शो करती हैं, और डीएनए के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है उसको कह लें या चेंजेस जो हैं वो डीएनए के अंदर आ सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसीलिए तो वो कैंसर कॉजिंग भी होती हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट आप देते हैं बाय PUVA। नाउ PUVA हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये भी एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, जिसमें पहले हम एक केमिकल सब्सटेंस पेशेंट से कहते हैं कि वो ओरली इनगल्फ करे, ठीक है। सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस होता है, पी स्टैंड फॉर सोरालिन, ठीक है। सोरालिन एक मेडिसिन है, वो पहले पेशेंट इनगल्फ करता है, फिर उसको अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन जो है उससे ट्रीट किया जाता है। लीड्स रेजिमेन और गोइकरमैन रेजिमेन जो है ये हम अभी देख लेते हैं क्या है आगे। ये है जी सोरेसिस के इस तरह के पैचेस होते हैं, ऐसे रेड इसकी जो है ये डिमार्केशन है, और उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं सिल्वर और वाइट से कलर के स्केल्स बने हुए हैं स्किन पे। ये किसी भी जगह हो सकता है सोरेसिस, मतलब स्कैल्प में यहाँ हुआ हुआ है, अदरवाइज ये हैंड्स, फीट, नेक, थोरेक्स आपका किसी भी रीजन में हो जाते हैं इस तरह के पैचेस। अच्छा जी, गोइकरमैन रेजिमेन किसे कहते हैं कि कोल्ड टार एप्लीकेशन 2-3 टाइम्स अ डे विद जनरल अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन गिवन वंस अ डे एज सब थर्मल और इवन डोज। कि कोल्ड टार ये एक मटेरियल है, यानी कोल का जो टार होता है आप कोल से एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसको 2-3 टाइम्स आपने अपने सोरेटिक एरिया पे अप्लाई करना होता है, और साथ साथ यू अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है वंस अ डे उसको आप ट्रीट करते हो E1 डोज से।
ये थी ग्योरकन ग्योरकमैन रेजिमेंट और रेजिमेंट, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास है लीड्स या इनग्राम रेजिमेंट। रेजिमेंट कहते हैं कि आपने किस उसको किस तरह से किस रिजीम में जाके आप उसको ट्रीट कर रहे हो। उन्होंने दो मेथड्स बताए, इसलिए उन दोनों के अलग अलग नाम है। सेंसिटिविटी ऑफ पेशेंट स्किन इज इंक्रीज बाई लोकल एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड टार एडेड टू बाथ प्रायर टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट से आप कहते हैं आप बाथ लें और उस बाथ के अंदर उसको कोल्ड टार ऐड कर देते हैं, उस पानी में ऐड कर देते हैं या फिर उसको वैसे दे देते हैं कि स्किन पे अप्लाई करें कोल्ड टार। सोरेटिक लेजन्स आर कवर्ड विद डिथ्रेनॉल क्रीम। ये क्रीम है, इससे फिर सोरेटिक जो भी एरिया है पैच का उसको कवर कर देते हैं, विच इनहिबिट्स द डीएनए सिंथेसिस। अब वहां पे उस क्रीम के एप्लीकेशन के बाद वहां पे डीएनए सिंथेसिस उस पैच की उस एरिया की रुक जाती है। नेक्स्ट डे क्रीम इज क्लीन्ड ऑफ एंड प्रोसेस इज रिपीटेड। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, पेशेंट से को बाथ लेने का कहा विद कोल्ड टार एडेड, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपने सोरेटिक लेजन उसका जो था उसको डिथ्रेनॉल क्रीम से कवर कर दिया और उसके नेक्स्ट डे आपने उस क्रीम को क्लीन करा है और फिर प्रोसेस को पूरा आपने दोबारा रिपीट किया। सब रिदमल डोज देते हैं इसमें, E1 डोज देते हैं विच इज गिवन टू द पेशेंट यूजिंग अ थेरेक्टिन टनल या फिर एयर कूल्ड लैंप एट 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। Dose is repeated daily and increased at a rate of 12.5%. अब ये जो सारा प्रोसेस है इसको आप कहते हो कि ये लीड्स रेजिमेन है, ठीक है। लीड्स रेजिमेन के अंदर ये पूरा प्रोसेस आ रहा है कि आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस तरह से पेशेंट को दी है, सोरेसिस के पेशेंट को। Now, PUVA psoriasis is treated with ultraviolet radiations along with sensitizer. वो sensitizer क्या है, वो Soralan drug है। Drug will inhibit the DNA synthesis and thus cell replication. Needs to be measured regularly. Long-term use can lead to skin damage and increase the risk of squamous cell carcinoma. अब एक और स्किन की कंडीशन है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जिसे कहते हैं एलोपीसिया, ठीक है। एलोपीसिया के पेशेंट्स बहुत कॉमन होते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि बैल्डनेस हेड पे जो है ना, हेड के एरियाज होते हैं पूरे पूरे पैच हेयर के वहां से रिमूव हो रहे होते हैं और अंदर पूरा ऐसे एक एरिया आ जाता है जिसमें स्किन नजर आ रही है। प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ हेयर्स लीडिंग टू बैल्डनेस। ये नॉर्मल हेयर फॉल को आप एलोपीसिया नहीं कहते हैं, जब पूरा पैच बन जाते हैं, पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी जो है हेयर में सर के बालों में भी हो सकता है और आपके बियर्ड के बालों में भी ये एलोपीसिया होती है मेल्स में। कॉमन कंडीशंस इन विच हेयर फॉल्स आउट इन पैचेस, सब एरिथमल डोजेस आप दे रहे हैं, E1 आर यूजुअली गिवन फॉर अराउंड 10 मिनट्स डेली। इंडिविजुअल पैचेस कैन बी ट्रीटेड बाय E2 और E3 डोज बाय क्रोमेयर्स लैम्प ट्वाइस अ डे। Then rickets, rickets क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जी, किसी को नहीं पता rickets क्या होता है? मैम विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बड़ों में होता है ये rickets? बच्चों में होता है मैम बच्चों में होता है। ठीक है रिकेट्स जो है, जो बड़ों में, जिसको आप कहते हैं कि ऑस्टियोमलेसिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेसिया बड़ों में होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स की सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों में वही, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बोन्स की सॉफ्टनिंग होगी, बोन्स बो करना, लेग की बोन्स जो है वो टेढ़ी होना, बोइंग स्टार्ट हो जाती है बोन की, इसको कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स इज सेम थिंग एज ऑस्टियोमलेसिया बट इन चिल्ड्रन। व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब्ड इन स्किन इट कन्वर्ट्स द 7-D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी। ये हमें पहले भी पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे विटामिन डी बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहाँ के सनलाइट के अंदर भी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो विटामिन डी बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। Helps reducing osteoporosis and thus reducing the fractures. UVR आप इसमें भी rickets की condition में भी देते हैं। Now another effect is, जी बेटा। मैम ये जो alopecia है इसकी treatment क्या होगी? बेटा alopecia की वैसे medical treatment होती है कि आप certain creams हैं, certain ointments हैं, oils हैं जो देते हैं लगाने के लिए, वो आपको dermatologist देगा, ठीक है, क्योंकि हमारे रिजीम में फॉल नहीं कर रहा। लेकिन फिजियोथेरेपिकली आप इसको इस तरह ट्रीटमेंट में इसकी हेल्प कर सकते हैं उस हेयर की ग्रोथ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एप्लीकेशन से, ठीक है। मैम, ये जो अल्ट्रावायलेट
ठीक है वो जो पैच है क्या बेटा हार्मफुल नहीं होगा हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हम करेंगे बेटा अगेन सेइंग अगेन कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं बहुत ज्यादा आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट भी यूज कर रहे हैं स्किन पर्पजेस के लिए एक्ने को ट्रीट करने के लिए सोरेसिस को ट्रीट करने के लिए एलोपीसिया को ट्रीट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज कर रहे हैं अब तो इतना कॉमन हो गया है कि जो बड़े बड़े ब्यूटी सैलून्स हैं वहां पर भी स्किन की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आप जो है ना इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट और इस तरह की रेडिएशन स्टार्ट हो गई टू ट्रीट द स्किन ठीक है तो ये फिजियोथेरेपी में भी ये इस रिजीम में फॉल करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज करके एलोपीसिया और सोरेसिस और इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं लेकिन अगेन अल्ट्रावायलेट का यूज लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं कर सकते ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए अल्ट्रावायलेट का यूज नहीं करना वरना वो फिर डीएनए के लेवल पे जाके चेंजेस लाना स्टार्ट कर देता है हर चीज का एक खास डोजेज होती है ना कि अब आपने 2 months उसको ट्रीट कर लिया है या 3 months मैक्स पे ठीक है उससे ज्यादा आप उसको ट्रीट नहीं करोगे या फिर उससे ज्यादा आप E4 की डोज नहीं उसको दोगे तो ये तो डोजेजेस हैं आगे तो मैम जो लोग 4-4 सेटिंग करवाते हैं जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास के 3 महीने बाद फिर जाना है तो 4 दफा सेटिंग करवाते हैं तो मैम उनका क्या वो ज्यादा रेडिएशन हार्मफुल नहीं होंगे उनके लिए नहीं बेटा आखिर डर्मेटोलॉजिस्ट भी डॉक्टर है ना उसे पता है कि इस पेशेंट के लिए कितनी रेडिएशन सेफ है कितने सेशन उसे दे सकता है वो अल्ट्रावायलेट रेज के ठीक है इसी तरह लेजर है लेजर की ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है अब तो सैलून्स में स्टार्ट हो गई है लेजर की ट्रीटमेंट ये जो हेयर रिमूवल के लिए होता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी ना उसमें भी रेडिएशन ही है जो लेजर आप ट्रीट कर रहे हैं ठीक है हेयर फॉलिकल्स को बर्न कर रहे हैं और जो भी सारा कुछ प्रोसेस है तो ये प्रोसेसेस एक सेटिंग्स होती है इनकी कि आप जो कर रहा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट उसको पता होता है कि इतनी डोजेज इज सेफ फॉर द पेशेंट ठीक है बट अगेन अगर बहुत ज्यादा डोजेज कोई पेशेंट ले लेता है या फिर फोर्सफुली या फिर डॉक्टर को नहीं पता तो कैंसर भी इसीलिए तो ज्यादा हो गए हैं कैंसर की जो एक इंसिडेंस है ठीक है कैंसर का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है इसी वजह से हो रहा है ना क्योंकि सनलाइट ओजोन लेयर खत्म हो रही है स्किन कैंसर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिव है आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर आउट कर देती है ठीक है ताकि जो हार्मफुल रेडिएशन है वो फिल्टर हो जाए अब ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से सन की अंदर जो हार्मफुल रेडिएशन है वो आ रही है नॉर्मली पॉपुलेशन की स्किन पे सन में तो इसीलिए स्किन कैंसर्स बढ़ रहे हैं फिर लोगों ने इस तरह की ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दी है ठीक है जो अगर कोई वेल और कोई ऑथेंटिक और अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है वो तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड देगा ठीक है और उसको एक्सीड नहीं करेगा डोजेज को लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डोजेज को इंक्रीज कर देते हैं अपनी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कहीं ना कहीं हर चीज के हैं साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के हैं ना चाहे आप एक पैनाडॉल भी लेते हो तो साइड इफेक्ट तो उसका भी है इसी तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के भी हैं ठीक है यस मैम अच्छा काउंटर इरिटेशन इफेक्ट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग काउंटर इरिटेशन इफेक्ट ओवर द साइट ऑफ डीप रूटेड पेन ठीक है अब क्या हो रहा है आपके पास कि कहीं से आपको डीप पेन जो डीप पेन्स होते हैं पेन्स होते हैं सुपरफिशियली आपके मसल्स में या फेशिया में हो रहे हैं डीप पेन्स होते हैं ठीक है काउंटर इरिटेशन इफेक्ट होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जिसकी वजह से डीप रूटेड पेन जो है उनका इफेक्ट सबसाइड हो जाता है किस तरह के आप E3 या E4 की डोज देते हैं ओवर द एरिया जहाँ पे पेन है एंड देन कवर इट विद ड्राई ड्रेसिंग और फिर वहां पे आप ड्रेसिंग कर देते हैं ड्राई जो सुपरफिशियल पेन है जो प्रोड्यूस होगा एरिथमा से जो हल्का सा पेन आपका सुपरफिशियल होगा वो आपकी डीप पेन को मास्क कर देता है फिर जो नीचे से डीप पेन हो रहा होगा उसको उसने एरिथमा के सुपरफिशियल पेन ने मास्क कर दिया इस इफेक्ट को कहते हैं काउंटर इरिटेशन इफेक्ट फिर है जी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो गिवन टू द पेशेंट्स एज अ सेंस ऑफ जनरल वेलबींग ठीक है कुछ पेशेंट्स जो है वो वैसे ही अब आजकल स्किन की ट्रीटमेंट के लिए इस तरह वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सब इरिथमल डोजेज आप दे सकते हैं नाउ कमिंग टू द फिल्टर्स ठीक है अ लाइट फिल्टर इज अ सब्सटेंस व्हिच अब्सॉर्ब्स सम रेज एंड अलाउज अदर्स टू पास थ्रू ठीक है कि लाइट सा फिल्टर वो होता है कि जो कुछ रेज को अलाउ करता है पास करना और कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है विंडो ग्लास आप यूज करते हैं अब जो विंडोज हैं अगेन देखिए डेली लाइफ की चीज है कि जो विंडो ग्लास होता है जो अच्छे वाला ग्लास होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को घर के अंदर नहीं आने देता विंडोज जो लगी होती है उनके अंदर जो ग्लास होता है ठीक है बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर घर के अंदर आ रही है फिर तो आप उससे हर टाइम ही एक्सपोज हो सनलाइट से
ठीक है, तो वो इसीलिए कैंसर कॉजिंग होती है. एब्जॉर्ब यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिलो 3300. बीटा ग्लास होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ये अब्सॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिलो 2750. वाटर जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है. फिर चांसेस ग्रुप्स, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत कॉमनली यूज होता है आपके जो सन ग्लासेस होते हैं या गॉगल्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि सन ग्लासेस भी होते हैं, पोलमराइज सन ग्लासेस यूज करें जी, और ये चांसेस ग्रुप इस मटेरियल के लिए, ताकि आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपके आईज को डैमेज ना करें, क्योंकि आईज को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा डैमेज करती है. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फोटोकेराटाइटिस कॉज कर देती है. ब्लू वर्ल्ड ग्लास होता है, एब्जॉर्ब्स एब्जायोटिक रेज बिलो 2900. ऑक्साइड ऑफ निकल ग्लास, वुड फिल्टर्स एंड चांसेस अल्ट्रावायलेट ग्लास ट्रांसमिट्स द अल्ट्रावायलेट रेज ओनली. ठीक है, यूज्ड विद क्रोमियर्स और एयर कूल्ड मर्करी वेपर लैंप इन डार्क रूम टू शो द फ्लोरेसेंस. डार्क रूम में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी नेकेड आई को नजर नहीं आती, ठीक है, अब हमें तो सिर्फ विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम नजर आता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हम लोग नहीं देख सकते विद आर नेकेड आई. तो उसको देखने के लिए अगर हम किसी तरह के इस फिल्टर को यूज कर रहे हैं इन अ डार्क रूम, तो फिर हमें उस वहां से लाइट शो हो सकती है, फ्लोरेसेंस उसकी इल्यूमिनेशन हमें नजर आ सकती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की. नाउ MIEA, MIA, आई इवन डोंट नो इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है. दिस इज अ प्रोटेक्टिव कैप ऑफ क्रोमियर लैम्प. ठीक है, एब्जॉर्ब्स ऑल द अल्ट्रावायलेट एंड सम विजिबल रेज. ये क्रोमियर लैम्प जो होता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप लगा सकते हैं जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज या विजिबल रेज वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है. लिक्विड पैराफिन और कॉड लिवर ऑयल समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू वायल फिल्टर एब्जॉर्ब्स द शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज. जो शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, ये ज्यादा हार्मफुल होती है देन द लॉन्गर वंस. डेंजर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम पहले ही देख चुके हैं कि आईज के लिए डेंजरस हैं, और ओवरडोज होगी तो ऑब्वियसली कैंसर कॉजिंग हो जाएगी. आईज ऑफ द पेशेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी कवर्ड विद गॉगल्स, अदरवाइज देयर इज द डेंजर ऑफ कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, स्टार्ट में आपको कंजक्टिवा जो आपका आई का एरिया है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी, फर्दर जो है स्क्लेरा में प्रॉब्लम जाएगा, फर्दर जो फिर बहुत ज्यादा अगर रेडिएशन से एक्सपोज रहता है बंदा तो फिर फोटोकेराटाइटिस स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए जब भी ट्रीटमेंट हो रही है, भी पेशेंट जो है ये अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करवा रही है विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा ये कौन सी वाली लैंप का सेटअप है जो इस पेशेंट पे अप्लाई हुआ हुआ है? ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. जो बच्चा मुझे ठीक से बता देगा उसको मैं 5 marks एक्स्ट्रा दूंगी वाइवा में. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें. मैम मर्करी लैंप होते हो? नहीं बेटा, मर्करी लैंप नहीं है. चले मैं आपको हिंट दे दूं कि इसमें चार, इसमें जो है ना फोर आपको नजर आ रहे हैं. नहीं बेटा, इसमें आपको फोर नजर आ रहे हैं लैंप्स जो इकट्ठे एक पेशेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है. बेटा थेरेक्टिन टनल, थेरेक्टिन जो था थेरेक्टिन टनल, थेरेक्टिन में ये था कि आपने 4 lamps यूज किए हुए थे जो एक पेशेंट पे एक जगह एरिया पे फोकस कर रहे थे. ठीक है, 1, 2, 3 and 4. और ओवरडोज टू लॉन्ग एक्सपोजर ड्यूरेशन नीड्स टू बी एक्यूरेट. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हम आपने देना है तो फिर आपने ड्यूरेशन उसकी एक्यूरेट रखनी है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं देना. मूविंग द लैम्प क्लोजर टू द पेशेंट, दिस लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ लार्जर डोजेस टू पेशेंट. पेशेंट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू मूव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. थेरेपिस्ट मस्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ. Changing the lamp, it can also lead to overdosage. Average E1 must be calculated and marked on every lamp. अब एक ही लैम्प आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्रोमेयर लैम्प है, आप ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, हर क्रोमेयर लैम्प का E1 जो है वो आपने अलग से कैलकुलेट करके मार्क कर देना है उस लैम्प के ऊपर, क्योंकि हर लैम्प का वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, इसीलिए उसका एवरेज E1 डोज टाइम आपने कैलकुलेट करना है. आप अगर लैम्प चेंज कर रहे हो, एक दफा आप के पास पेशेंट आया, आपने उसे एक लैम्प अप्लाई कर दिया, दूसरी दफा आया आप उसे दूसरी लैम्प ऐसे अप्लाई नहीं कर दोगे क्योंकि उसका इवन डिफरेंट हो सकता है. तो चेंज करें अगर आप लैम्प को, तो आपने उसका इवन टाइम जो है वो कैलकुलेट रखना है. यूज ऑफ सेंसिटाइजर्स,
मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एंड यूज केयरफुली टू अवॉइड एनी हार्मफुल इफेक्ट. अब सेंसिटाइजर्स क्या है, जो सोरेलैंड ड्रग है वो सेंसिटाइजर होता है, ठीक है, वो पेशेंट को दे देते हैं ताकि उसके डीएनए के लेवल पे जाके चेंजेस जो है वो ना आए. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है जब आपने अप्लाई नहीं करना, कोई एक्यूट स्किन की कंडीशन है, हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट, जो पेशेंट सनलाइट को ही टॉलरेट नहीं कर सकता वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की थेरेपी को कैसे टॉलरेट करेगा, ठीक है, इसीलिए आप अप्लाई नहीं करते. डीप एक्सरे थेरेपी, स्किन ग्राफ्टिंग, एक्यूट एक्जिमा, एक्जिमा भी फिर आपकी स्किन की कंडीशन होती है, एक स्किन का प्रॉब्लम होता है उसमें ट्रीट नहीं करना, डर्मेटाइटिस, ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, हर्पीज सिंप्लेक्स, ठीक है, ये सारे आपके स्किन की कंडीशंस हैं. कोई वायरल है तो कोई वैसे ही आपके स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर स्किन में कोई डर्मिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन कंडीशंस में आप ट्रीट नहीं करते. हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट, सर्टेन पेशेंट दोज हु आर हाइपर सेंसिटिव टू द सनलाइट आर ऑल्सो अवॉइडेड रेडिएशन. डीप एक्सरे थेरेपी के बाद आप नहीं देते क्योंकि पहले ही जो है टिश्यूज जो हैं वो डीवाइटलाइज हो जाते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ एक्सरे, फर्दर आप उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई नहीं करते, ठीक है. स्किन ग्राफ्टिंग, रिसेंट केसेस ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग शुड नॉट बी गिवन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि स्किन ग्राफ्ट की है कहीं वो रिजेक्शन ना हो जाए वहां पे स्किन का, ठीक है, जो ग्राफ्ट हुआ, इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई नहीं करनी. ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स देखे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, कुछ फिल्टर्स हमने डिस्कस किए हैं और उसके बाद हमने उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी हैं. जी क्लियर है सबको? मैम ये जो एवरेज ईवन वाला कैलकुलेशन करनी थी मैम, वो वाला पॉइंट एक दफा बता दें बेटा. उसके लिए मैं पिछला लेक्चर खोलती हूँ बिकॉज आज के लेक्चर का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, रुके मैं प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड निकाल लूँ. और पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज डोज E1 जो है. कोई भी लैंप होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमने कोई ऐसा मटेरियल लेना होता है जिसके अंदर हम 3 होल्स कट कर लेते हैं जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पास नहीं करती, ठीक है, फिर वो 3 होल्स जो हमने कट किए हैं, क्रोमेयर लैंप है उसके लिए हम 2x2 cm का होल कट कर लेते हैं मिडिल होल, फिर एक लार्ज होल होता है एक स्मॉल होल होता है. पिछले लेक्चर में हम बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है. उसके बाद आपने वहां पे फिर आपने अप्लाई करना होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को उस कार्डबोर्ड को रख के. फोर आर्म का एरिया बेसिकली यूज करते हैं हम टेस्ट डोज को कैलकुलेट करने के लिए E1 को, ठीक है. E1 टाइम फाइंड आउट करने के बाद फिर हम उसका E2 के लिए उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, E3 के लिए हम 5 से और E4 के लिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं E1 टाइम को. तो ये E2, E3, E4 निकल आते हैं जो हर लैंप के आपने अलग से निकालने होते हैं. इसकी कोई एक वैल्यू जो है ना वो सर्टेन नहीं है, वो आपने खुद कैलकुलेट करनी होती है हर लैंप की. मोस्टली जो है सेटअप में लैंप्स जो यूज हो रही होती है उनके ऊपर पहले ही लिखा होता है कि इसका E1 टाइम इतना है, क्योंकि जो यूज कर रहे होते हैं वो उसका पहले ही एक दफा कैलकुलेट करके उसका टाइम ऊपर लिख देते हैं. एवरेज डोज E1, ठीक है, ये वो. और ये था थेरेक्टिन टनल जो अभी मैंने आपको दिखाई थी पेशेंट, उसके ऊपर 4 थेरेक्टिन टनल में इस तरह एक टनल शेप में 4 लैंप्स होते हैं जो पेशेंट के ऊपर एरिया के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है. चले ठीक है बच्चों, क्लियर है आज का लेक्चर सबको? यस मैम. ठीक है चले बेटा, आपने अटेंडेंस मार्क कर ली? यस मैम. ठीक है बच्चों चले, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. Thank you.